दोस्तों ये जो गाड़ी आप सभी देख रहे हैं, इस गाड़ी के माध्यम से हरिद्वार का गंगा जल अयोध्या के लिए निकल रहा है। हजारों लीटर गंगा जल जो है हरिद्वार से अयोध्या पहुंचेगा और राम भक्त इसमें शामिल है। आज के दिन हर की पैड़ी में हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की गई, वो दृश्य हम आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ही भव्य दृश्य थे और जैसे ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी तो सभी के मुख से बस जय जय श्री राम, जय जय श्री राम निकल रहा था। तो अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। आज की वीडियो है 15 जनवरी की वीडियो है। समय की बात करें तो लगभग 4 बजे के आसपास के ताजा दृश्य आप सभी देख रहे हैं और भी हम आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें क्योंकि ऐसे अद्भुत दृश्य कभी कभी देखने को मिलते हैं। अभी जो है अच्छे से विस्तार से हम आपको जानकारी भी देंगे। ये देखिए हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा इस समय हर की पैड़ी में चल रही है और बहुत सारे श्रद्धालु भी शामिल हुए थे और उसके साथ साथ लोकल जो है सीएम धामी साहब खुद शामिल हुए थे। ये देखिए उत्तराखंड के सीएम धामी जी खुद यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने राम भजन गाया। अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। अभी जो गाड़ी आपने देखी थी शुरुआत में, मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगा। अपर रोड की मार्केट से होते हुए बहुत सारे लोग शामिल हुए थे इस। ये देखिए राम भक्त हजारों लीटर गंगा जल लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। अभी ये गाड़ी जो है अखाड़ा परिषद का जो कार्यालय है वहाँ पर जाएगी और वहाँ से कई गाड़ियाँ भर के गंगा जल जाएगा और आसपास की जो पवित्र नदियाँ हैं वहाँ से भी जल लाया गया है। और कहते हैं, मैंने पूछा था तो बताया गया कि 11,000 लीटर जो है गंगा जल अयोध्या पहुँचेगा, जिससे कि रामलला भगवान राम जी की जो प्रतिमा है वो भी स्नान कराया जाएगा और उसके साथ साथ और मंदिर को भी धुला जाएगा। ये अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा हो रहा था, आजकल पूरा देश जो है राममय हो चुका है। हर जगह पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये देखिए आप आज के दर्शन कर रहे हैं। वीडियो शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी देख रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी से ये यात्रा शुरू हुई है और ये 19 तारीख को या 20 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। कई जगह स्टॉपेज है और पहला स्टॉपेज जो है कल के दिन यहाँ से हरिद्वार से निकलेंगे ये लोग, तो उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद बरेली, उसके बाद लखनऊ और उसके बाद अयोध्या पहुंचेगा। तो इस तरह ये जो 4 दिन का इसमें समय लगेगा, आप सभी देख सकते हैं इन दृश्यों को। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं कलश जिनमें गंगा जल भरा हुआ है और कई गाड़ियाँ और भी हैं वो जो अखाड़ा परिषद का कार्यालय है वहाँ से निकलेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करके जाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दृश्यों को देख सकें।